अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जो है मैं बहुत ही बेहतरीन और मुहर्रम में जो बनने वाली रेसिपी है वो बनाने वाली हूँ, वो है रोट। ये जो है गल्फ़ी रोट है, गिलाफ़ी रोट है, तो कोई भी नाम बोल लो, गल्फ़ी बोल लो, गिलाफ़ी बोल लो। तो जो रोट पहले मैं वीडियो डाल चुकी हूँ उससे थोड़ा सा डिफरेंट है इसकी रेसिपी, ये भी बहुत पुरानी ही रेसिपी है। तो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए पहले तो ड्राई फ्रूट्स को आप पाउडर बनाएं या फिर इस तरीके से चॉपर की मदद से बारीक चॉप कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा सा ये नज़र आएंगे तो अच्छा लगेगा, इसको पाउडर फॉर्म में मैं रखना नहीं चाहती तो इस वजह से। तो अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट ऊपर नीचे कर सकते हो। जितनी यहाँ पर मैं सूजी ले रही हूँ उतनी ही मैं ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, तो ये सूजी के बनते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर काजू, बादाम और पिस्ते और किशमिश इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। तो नॉर्मली बस इस तरीके से चॉप कर लीजिए या फिर दरदरा सा पाउडर बना लीजिए। यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक कप जितने ये मेरे पास कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं एकदम फाइन चॉप, और एक कप सूजी है तो 3/4 कप जितना मैं घी ले रही हूँ, थोड़ा सा बस कम, एक मुट्ठी भर जो है ग्रेटेड नारियल, घिसा हुआ खोपरा, तो कद्दूकस किया हुआ सॉरी। ये लेने के बाद बस इसको अच्छे से मिक्स किया, मिक्स करके रख रही हूँ साइड में। किशमिश अभी नहीं डाल रही वरना ज़्यादा अगर पक जाएंगे तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर रवा है ये सूजी सेमोलिना, बारीक सूजी लीजिएगा, ज़्यादा मोटी नहीं। तो यहाँ पर इसका शीरा बनाते हैं पहले, तो इसमें भी शीरे का ही काम है। तो ये जो है जितनी आप सूजी ले रहे हैं उससे डबल जो है शक्कर लेनी है। तो 2 कप जितनी शक्कर लेनी है और 1 कप दूध, तो डबल है इसमें शक्कर। तो बस शक्कर घुल जाए उस तरीके का हमें शीरा चाहिए। और यहाँ पर जैसे देख सकते हो बस अच्छे से मिक्स किया, मिक्स करने के बाद और इसको रख देंगे चूल्हे पर। और यहाँ पर ये घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको भुनेंगे ताकि अच्छे से सौंधी सौंधी खुशबू नहीं आ जाती। जब तक घी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका था तो उसमें डाल दिया है ड्राई फ्रूट्स और खोपरा। इसको बस 2-3 मिनट के लिए भुनेंगे हल्की आंच पर, ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं आने देना, हल्का सा बादामी कलर आ जाए, उस हल्का सा बादामी कलर आ जाए उसके बाद सूजी ऐड कर देना है। बेसिकली इसका जो है हलवा बनता है सूजी का, और उसके बाद जो है आटे की लेयर ऊपर आती है तो इसलिए इसको गिलाफ़ी रोट कहते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से सूजी भुन ड्राई फ्रूट्स भुन चुके हैं तो इसमें डाल देंगे सूजी। सूजी जो है 1 कप है तो अच्छे से इसको भूनेंगे। घी में आप जो है हाथ खुला रखिएगा, ज़्यादा कंजूसी नहीं, बस इसका घी का ही काम है, प्रिजर्वेटिव एक तरह का घी ही है इसमें। जितना ज़्यादा आप अच्छी इस तरीके से हाथ खोल के घी डालेंगे तो ये 4-5 रोज़ तक अच्छे रहते हैं, और अगर नहीं डालेंगे तो ख़राब हो जाएंगे ये। तो और ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम्स ज़्यादा नहीं रख सकते आप, जैसे कि नॉर्मल रोट रखते हैं महीना भर रख के खा सकते हैं, ये नहीं रख सकते, बस 4-5 दिन आप स्टोर कर सकते हो। अगर आप फ्रिज में रख रहे हो तो आराम से महीना चल जाएंगे, बट बाहर अगर रख रहे हैं तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो अच्छे से इसको भून लेंगे यहाँ पर जैसे देख सकते हो आप, हल्की आंच पर, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं। अच्छे से ये भून चुका है तो यहाँ पर शीरा भी हमारा बन चुका था, शक्कर घुल चुकी थी, और ये सूजी में हल्का हल्का शीरा डालेंगे, ज़्यादा एक बार में पूरा शीरा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हाथ बचा के, वरना छींटे बहुत ख़राब उड़ेंगे इसके। तो इसको हल्का हल्का शीरा डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे, और यहाँ पर अच्छे से इसको शीरा सारा डालने के बाद इसको पका लूँगी हल्का सा। इसे देख सकते हो आप, इसमें डाल दिया है किशमिश और मुट्ठी भर डाल दीजिएगा, जितने आप डालना चाहते हो उस हिसाब से ड्राई फ्रूट्स डालिएगा। और ये डालने के बाद इसको थोड़ी देर ढक दूंगी ताकि अच्छे से पक जाए, और यहाँ पर ये अच्छे से पक चुका है, घी ऊपर आ चुका है इसका, तो इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर। ये डालने के बाद बस इसको अच्छे से मिक्स करना है और दम पर रख देना है 5 मिनट कम अज़ कम, और उसके बाद चूल्हा ऑफ़ कर देना है। और यहाँ पर आटा गूंद लेंगे, और दम हो चुका था इस वक्त, अब इसको अपनी भाप में रहने दीजिए। और आटा जो है मैं 1.5 कप का इस्तेमाल कर रही हूँ आटा, तो मैदा सॉरी, मैदे में बस हल्का सा नमक, और इसका जो है एकदम ढीला ढीला आटा गूंदना है, बस उंगलियों की मदद से इकट्ठा कर लीजिए, और उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल के रख देंगे रेस्ट के लिए कम अज़ कम आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से
सेट हो जाए, आटा सॉफ्ट हो जाए और रेस्ट कर ले। उसके बाद हम इसकी ऊपर की लेयर पेड़े बनाएंगे और रोड बनाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया। और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बता दूँ, जैसे देख सकते हो आप, इतना ढीला इसका आटा होना चाहिए। और इसको बस हल्का सा घी लगाएं ऊपर, एक दो तीन चम्मच जितना घी डाल दीजिएगा और इसको रख देंगे साइड में, अच्छे से रेस्ट हो जाए। और यहाँ पर ये सूजी भी अच्छे से ठंडी हो जाएगी जब तक, और आटा भी रेस्ट हो चुका, सूजी भी ठंडी हो चुकी, तो इसके पहले गोले बना लेंगे, बॉल्स। तो यहाँ पर आपको घी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं हाथ पर, ताकि इसमें ही सूजी में ही अच्छा खासा घी पड़ चुका होगा आपका, तो ग्रीजिंग हाथ पर आपको घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो आप, हल्के हाथों से इसका एक लड्डू नुमा शेप दे दीजिएगा। और एक पहला जो है थोड़ा सा आटा लीजिएगा, जितना आपने सूजी का लड्डू उठाया है उससे थोड़ा सा कम ही आटा लीजिएगा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा आटा लेंगे तो आटे का ही ज़्यादा फ्लेवर आएगा। तो वो ग्रीस किया हुआ हाथ है तो आराम से आपका हाथ पर ही चौड़ा कर लीजिए आटे को। तो इसके बाद इस तरीके से इसको कवर कर लेंगे और इसको रख देंगे साइड में। इसको बना के रखना नहीं है, डायरेक्ट बनाना है और फ्राई कर देना है। बस मैं इसको फर्स्ट ट्रायल के लिए बना रही हूँ, तो इस वजह से एक बनाया है और रख दिया है। इसके बाद सारे बना लूँगी, पहले तो लड्डू बनाऊँगी। हाथों से इसको प्रेस करना है बाद में, तो लड्डू नुमा शेप दे दीजिएगा, जितने आपको रोड बड़े या फिर छोटे बनाने हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं, बिल्कुल भी छोटे नहीं। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो, ये जो है गिलाफी रोट, इस तरीके से भी कहा जाता है कि जो आटे का जो है गिलाफ की तरह उसको चढ़ाया जाता है एक, तो इस वजह से भी। तो अंदर की सूजी जो है बहुत अच्छी तरीके से हलवा, बहुत बेहतरीन किस्म का टेस्ट जो है बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर अच्छे से आराम से लड्डू बन चुके हैं, एक कप सूजी में ही आराम से आपके 10-12 हो जाएंगे लड्डू, सॉरी रोट। तो यहाँ पर अच्छे से घी लगा लिया हाथों पर, तो उसके बाद देखिए इस तरीके से आटे को चौड़ा कर लिया। चौड़ा करने के बाद ये लड्डू जो है, सूजी हलवा जो है, रख देंगे आटे के बीच में, आटे के ऊपर। तो इस तरीके से इसको कवर करते जाएंगे, फूल की शेप दे दीजिएगा। और ज़्यादा अगर आपका घी लगा हुआ हाथ है तो फटेगा नहीं, तो हल्का सा बस देखिए इस तरीके से कर लीजिए कवर। तो हल्का सा बीच में से प्रेस कीजिए इसको, प्रेस करने के बाद ऊपर खशखाश और चार मगज़ ये लगा दीजिए। और एक नॉनस्टिक का पैन ले लीजिए। पैन लेने के बाद काफ़ी लोग इसको बेल के भी करते हैं, आप इस तरीके से भी कीजिए, उस तरीके से भी कीजिए, आपकी मर्ज़ी है। तो बस इसको हल्का सा घी लगाना है, क्योंकि घी मौजूद है, आटे में भी घी है, सूजी के हलवे में भी घी है। तो इसमें बस हल्का सा घी डाल दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, एक दो चम्मच जितना। तो हल्की सी खशखाश और इसको चार मगज़ इस तरीके से लगा के, ये जो पहले बनाया था वो है, तो दूसरा भी इसी तरीके से बना लेंगे। देखिए ग्रीस किया हुआ हाथ है, तो उसके बाद घी लगा लीजिएगा हथेलियों पर पहले। तो पहले लड्डू पकड़ लीजिए, थोड़ा सा लड्डू का शेप दे दीजिए, वही घी आपके हाथ पर लग जाएगा। और उसके बाद जो है आटे का इस तरीके से स्प्रेड कीजिए आटे को, और उसके बाद आराम से, आपको घी लगा हुआ हाथ है तो आराम से देखिए इस तरीके से ये कवर हो जाएगा आटा, आपको ना बेलने की ज़रूरत ना कुछ। देखिए बस इस तरीके से इसको कर दीजिएगा, बाद में भी आप प्रेस कर सकते हो। जैसे ये हो गया थोड़ी देर के बाद, स्पैचुला की मदद से अब मैं प्रेस करके बताती हूँ आपको। देखिए हल्के से हल्का सा प्रेस कीजिए, तो ये आराम से प्रेस हो जाएगा, तो चौड़ा भी हो जाएगा। तो इसको बस अच्छे से सुनहरी कलर आने तक इसको सेक लेंगे इस तरफ से। थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा आपको, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो हाथ खोलिएगा घी में, घी में कोई कंजूसी नहीं इसमें, तो बहुत ही बेहतरीन किस्म के ये रोट बनेंगे। और इस तरफ से 2-3 मिनट, इस तरफ से 2-3 मिनट, इतना ही है इसका बस। इसको ज़्यादा दिन तक आप रख नहीं सकते, इसको इसी तरीके से बना लेंगे सारे रोट। और ये हमारी रोट की रेसिपी हो चुकी है यहाँ पर कंप्लीट। इसको बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब तक मैं 3 तरह के रोट की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, ये जो है 4थी वाली है। ये बहुत ही रिवायती और ट्रेडिशनल मीठे हैं और ख़ासकर मुहर्रम के मौक़े पर ही बनती हैं। तो
किस तरह की और रेसिपीज़ देखना चाहते हो वो भी ज़रूर बताइएगा। नए हैं चैनल पर तो लाइक सब्सक्राइब शेयर इंस्टा पे फॉलो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली में फ्रेंड्स में रिलेटिव्स में ताकि वो भी देख सकें ट्रेडिशनल रेसिपी कैसी बनती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।